हमारी एकता, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, दिल्ली से तो जाओगे। लाइन में लगो, लाइन में लप्पा लगेगा यार। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, मैं डॉक्टर अंचल अहेरी, चेयरमैन संघर्ष समिति, आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारा ये मशाल जुलूस पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली को लेकर परिषद कार्यालय से चौकी चौराहे होते हुए यहाँ कलेक्ट्रेट गेट पर आया है। और इस जुलूस में उमड़े जनसैलाब को साथियों, कर्मचारियों और शिक्षकों और अधिकारियों की संख्या को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, सरकार की चूलें हिल गई हैं। और यदि सरकार अभी भी नहीं मानती है, अभी भी नहीं चेतती है, तो आगामी 6 फरवरी से प्रस्तावित हमारी हड़ताल ऐतिहासिक होगी, महाहड़ताल ऐतिहासिक होगी। और हम सभी लोग कमर कस चुके हैं, सरकार की चूलें हिल गई हैं और सरकार को ये हमारी मांग माननी पड़ेगी, हमारी लड़ाई आर पार की होगी। हम लोग पुरानी पेंशन बहाली हो तो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे साथ सिवाय धोखे के कुछ नहीं कर रही है। 2014 में भी सरकार ने हमको आश्वस्त किया था कि हमारी अगर सरकार केंद्र में आती है तो हम पुरानी पेंशन बहाली के बिल को दोबारा से लाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन 2019 पर दोबारा चुनाव आ गया है, आज तक सरकार ने कोई चर्चा नहीं की। अभी भी सरकार ने, अक्टूबर में हमारी हड़ताल होने जा रही थी तो हमसे 2 माह का समय मांगा, योगी जी ने 2 माह का समय दिया, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। बैठकें हुई लेकिन कोई सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ। अब सारा कर्मचारी, सारा शिक्षक, सारा अधिकारी इससे अक्षुब्ध होकर पुनः हड़ताल पर आया है। और अब सरकार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करती है, पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है, ये हड़ताल अनवरत जारी रहेगी। जब तक ये सरकार हमें आदेश नहीं देगी तब तक आंदोलन हमारा इसी तरह चलता रहेगा। मुख्यमंत्री जी को कर दिया जाएगा। खबर बरेली की, बरेली से बीटीवी, बरेली की आवाज़।